हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलीट इंग्लिश क्लब। सो आई ब्रॉट फॉर क्लास 11th फ्रॉम हॉर्नबिल बुक द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर 1। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। यू नो स्टूडेंट्स, this chapter, or you can say this short story, is written by Khushwant Singh, who was born on 2nd February 1915, जिनका जन्म 1915 में हदाली पाकिस्तान में हुआ और इनकी डेथ 20th मार्च 2014 में सुजन सिंह पार्क दिल्ली में हुई। ये एक लॉयर, डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन तथा इंडियन रॉथर के जाने जाते हैं। इन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 को एक्सपीरियंस किया है और इसका जिक्र इन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान इन 1956 में किया, जो कि काफ़ी वेल नोन नॉवेल जानी जाती है। इनकी एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुई और इनको पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण अवार्ड्स मिले। अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये एक स्टोरी है, ये ऑथर की स्टोरी है, इनके बचपन का इंसिडेंट है और ये अपने इस स्टोरी में अपने रिलेशनशिप उनकी ग्रैंड मदर के साथ जो थी कई सालों तक, उसको ये यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। ये उनकी अपनी दादी की डेली एक्टिविटीज़ को लिखते हैं, वो कैसे रहती थी, क्या करती थी, कैसे टाइम पास करती थी, कैसा अपीयरेंस था उनका, ये सभी वो यहाँ पर इमेज क्रिएट करते हैं रीडर्स के माइंड में। सो नाउ वी विल सी समरी। यू नो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये ऑथर की खुद की ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है, उसकी और उनकी ग्रैंड मदर की। ग्रैंड मदर जो कि काफ़ी बूढ़ी महिला थी, जिनके फेस पे रिंकल्स पड़े हुए थे और 20 सालों से वो करीब वैसी ही लग रही थी जैसे जब ऑथर बहुत छोटा सा बच्चा था तब वो लगती थी। वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी लगती थी, आज उनका स्ट्रक्चर जो था और उन्हें कोई इमेजिन कर सकता था। ऑथर कहता है कि मैं कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता कभी वो यंग और प्रिटी भी होंगी और उनके कोई हस्बैंड ही होंगे। इट मींस कि पोएट यहाँ पे ये इमेज क्रिएट करना, सॉरी ऑथर यहाँ पे ये इमेज क्रिएट करना चाहता है कि वो एवरग्रीन थी इस वेश में जैसा उसने पाया उनको, मतलब एक स्टेट उनकी रुक गई थी। ही वॉज जस्ट फीलिंग दैट शी वॉज शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो कम हाइट की, थोड़ी सी चबी और झुकी हुई बॉडी उनकी थी एज के कारण। और ऑथर उन्हें जब अपने ग्रैंड मदर फादर की पोर्ट्रेट देखता है तो जो कि एक ओल्ड मैन वाइट टर्बन के साथ और लंबी दाढ़ी जो कि चेस्ट तक उनकी कवर होती है, ऐसी इमेज वो हमेशा पोर्ट्रेट देखते हैं। और वो कहते हैं कि उनके ग्रैंडफादर ऐसे लगते थे जैसे वो कभी किसी के हस्बैंड या पिता ना हो, बल्कि वो सदियों से ग्रैंडचिल्ड्रन ही उनके रहे हों, ऐसा वो लुक था उनका। सो ग्रैंड मदर used to move around the house in a spotless white sari. वो हमेशा white sari पहनती थी और अपने कमर पे एक हाथ रखते हुए इधर उधर घूमती रहती थी घर में। उनके हाथ में हमेशा rosary beads रहती थी और माला जपती रहती थी वो। शुरुआती दौर में, initial days में, author और उसकी grandma के बहुत ही अच्छे relation थे। She used to wake him. उसे जगाती थी, सारी जो उसकी डेली एक्टिविटीज़ होती थी उसे कंप्लीट करवाती थी, उसे अपने साथ स्कूल ले जाती थी और जब तक वो स्कूल में पढ़ाई करता था दादी
मंदिर में बैठकर माला जपती रहती थी। उनका एक रूटीन था ग्रंथ पढ़ने का, रामायण गीता पढ़ने का। वो वहाँ पर रामायण या गीता पढ़ा करती थी और ऑथर उनके साथ सभी बच्चों के साथ बरामदे में अल्फाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर सीखता था। वो साथ में ही वापस आते थे घर और तब वो दादी अपने स्ट्रे डॉग्स के लिए चपातीज ले जाती थी और रास्ते भर उन्हें डालती लाती थी। इस प्रकार वो दोनों साथ साथ आते थे घर। Soon the parents of the author who went to the city to settle in and call them। जल्दी उनके पेरेंट्स शहर में सेटल हो गए और उन्हें वापस बुला लिया। जब वो शहर पहुंचे तो उनका रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आता है। दोनों रूम तो शेयर करते हैं, दो देश शेयर रूम, बट द बॉन्ड ग्रो अपार्ट। लेकिन जो बॉन्डिंग होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे कि अब ऑथर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगा था एंड दादी उसे अकम्पनी नहीं कर पाती थी और ना ही कोई स्ट्रे डॉग्स उनके चारों तरफ घूमते थे, क्योंकि अब ऑथर बस से स्कूल जाता था। एंड शी यूज टू टॉक आस्क हिम अबाउट हिज डेज। लेकिन दादी फिर भी उसके दिन कैसे जीवित रहे हैं ये पूछा करती थी, उसने क्या सीखा ये जानती थी, जानने की साथ में कोशिश भी करती थी। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। लेकिन उन्हें कुछ नहीं समझ में आता था क्योंकि शहर की पढ़ाई थोड़ी सी अलग थी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की पढ़ाई, जो कि उसे समझ में नहीं आती थी। इवन वो नए सिलेबस को अप्रूव भी नहीं करती थी जो वो पढ़ता था, बिकॉज शी थॉट दैट दे डिड नॉट टीच हिम अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। क्योंकि उनका मानना था कि एजुकेशन में एथिक्स की बातें होनी चाहिए, एजुकेशन में ग्रंथों की बातें होनी चाहिए, ना कि अदर लैंग्वेजेस की बातें। और इस कारण ऑथर काफ़ी बिजी रहने लगा था और आपस में मुलाकात भी बहुत कम होती थी, बातचीत बहुत कम होती थी। एज द डेज पास, जैसे ही दिन गुजरते हैं ऑथर बड़ा होने लगता है, वो यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर देता है एंड अब उसका खुद का वहाँ पर एक रूम होता है, जिस कारण अब उनके बीच थोड़ा सा रिलेशन खट्टा हो जाता है। यू मीन टू से कि अब यदा कदा ही मीटिंग होती है आपस में। अब दादी ने सभी से बातें करना बंद कर दिया था, वो अपना टाइम सारे टाइम व्हील चलाने में, स्पिनिंग करने में बिजी रहती थी। या तो वो रिसाइट प्रेयर करती थी या फिर रोजरी बीड्स को जपती रहती थी। शी लव्ड फीडिंग स्पैरोज। अब उनका फेवरेट पास टाइम स्पैरोज को फीड कराना था, जो कि बरामदा में आकर सुबह सुबह आती थी और कभी उनके सर पे, कभी उनके हाथ पर बैठती थी। जल्दी ऑथर ने डिसाइड किया अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाने को। दादी उदास ना होकर उसे रेलवे स्टेशन पर सी ऑफ करने आती हैं। वो सेंटिमेंटल नहीं होती, कंटिन्यूसली प्रेयर रिसाइट करती रहती हैं और अपने आप को प्रेयर में बिजी रखती हैं। शी किस्ड हिम ऑन द फोरहेड। आफ्टर 5 ईयर्स जब वो घर आता है, दादी उसे रिसीव करने आती हैं, जबकि ऑथर ये बिलीव नहीं करता कि वो दोबारा दादी को देख पाएगा, बिकॉज शी वॉज टू ओल्ड। लेकिन दादी उसे लेने आती हैं, उसको हक करती हैं और तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। लेकिन दादी अभी भी उन स्पैरोज को खाना खिलाती हैं। एक दिन की बात है, शी डिड नॉट रिसाइट हर प्रेयर्स। उन्होंने आज प्रेयर्स रिसाइट नहीं की, जबकि नेबरहुड की वेमेंस को कलेक्ट करके ढोलक बजाना और गाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग वो बीमार पड़ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे दिन ढोलक बजाई थी और गाना गाया था। तो डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा, लेकिन दादी को पता ही चल गया था दैट हर एंड वॉज नियर, सो शी डिड नॉट वेस्ट टाइम फॉर टॉकिंग। दादी ने किसी से बात नहीं की और वो बस अपने लास्ट मिनट में प्रेयर रिसाइट करके बेड पर लेटी रही और थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। इट मीन्स वो लाइफलेस हो गई। जब फ्यूनरल्स की तैयारियां हो रही थी,
तब वो स्पैरोज भी उनकी फ्यूनरल्स में आती हैं, लेकिन वो बिना फीड किए हुए वहाँ से चली जाती हैं और अपनी मॉर्निंग विशेस दे जाती हैं। सो दिस वॉज द चैप्टर एंड दिस वॉज द स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर कोई कमेंट्स हो या कोई क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। We will write back with a new video. Till then, take care.